हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट डिस्कशन बेटे? ओके, लेट्स स्टार्ट बेटे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड बेटा इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर यू, ठीक है ना? क्योंकि ये प्रकरण जो है बहुत ही रुचिकर है। ऐसे बहुत सारे अनसुलझे जो सवाल हैं जो हमारे दिमाग में पहले घूमते थे, या आप सोचते थे ऐसा क्यों होता है, क्यों हुआ, ऐसे इसके पीछे क्या रीज़न था, तो उन सब सवालों के जवाब है वो हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे जो आपके एटमॉस्फेयर से रिलेटेड ही है, ठीक है ना? और हमारा जो टॉपिक है वो है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, कि वायुमंडल जो है वो कैसे गर्म और कैसे ठंडा होता है। ठीक, टुडेज टॉपिक इज़ रिलेटेड टू साइंस बेटा। देखिए, हम पढ़ रहे थे हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, तो बेटे देर आर डिफरेंट वेज ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब वायुमंडल के गर्म और ठंडे होने के बहुत से तरीके हैं, बहुत सारे कारण भी हैं, ठीक है, जो हम देख रहे हैं इसमें। तो फर्स्ट जो हम ले रहे हैं वो है रेडिएशन, जिसे हम विकिरण कहते हैं, और ये होता है डायरेक्ट हीटिंग ऑफ ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट बाय द ट्रांसमिशन ऑफ हीट। इट मीन्स कि दिस इज़ द ओनली मैकेनिज्म इन विच हीट कैन ट्रेवल थ्रू द रिलेटिवली एम्प्टी स्पेस, ठीक है ना? वायुमंडल के अंदर किसी भी पदार्थ या ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधी गर्म होने को विकिरण कहा जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों को पृथ्वी तथा उसका वायुमंडल, किरणों से पृथ्वी और उसका वायुमंडल गर्म होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सन जो है वो हमारे लिए एकमात्र सोर्स है लाइट और एनर्जी, मतलब ऊर्जा का या प्रकाश का, ठीक है ना, जिससे सभी जीवों को ऊर्जा या एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ रेडिएशन या विकिरण ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं जो अर्थ के ऊपर आती हैं, हमने पढ़ा था स्पेस में आती हैं, तो आपका वो था, मतलब फर्स्ट जिसे हमने कहा था वो था आपका रेडिएशन, लेकिन उसमें से जो अर्थ रिसीव करती है वो था आपका इंसोलेशन। तो रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन, सूर्य से जो आपकी आ रही है अर्थ के ऊपर, ठीक है ना, वो आपकी किस में होती है, शॉर्ट वेव रेडिएशन कहलाती है, जिन्हें हम लघु तरंगे कहते हैं, और वो आपकी पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाती है, रीच अर्थ सरफेस विदाउट मच हीटिंग द एटमॉस्फेयर, माइंड इट बेटा, विदाउट मच हीटिंग द एटमॉस्फेयर, मतलब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर या पृथ्वी के जो, पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसको वो गर्म नहीं करती, उसको गर्म किए बिना वो सरफेस के ऊपर आ जाती हैं। अब इसमें से अर्थ सरफेस के आने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती हैं, ओपक हो गया ना धरातल, क्योंकि एटमॉस्फेयर है वो आपका ट्रांसपेरेंट है, उसमें से वो सरफेस पर धरातल पर आ गई हैं, ठीक है ना, आ जाने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती हैं, जब परावर्तित की जाती हैं तो इन्हें कहा जाता है आपकी लॉन्ग वेव, दीर्घ तरंगे, लॉन्ग वेव रेडिएशन, और इन्हें यही होती है आपकी क्या, टेरेस्टेरियल रेडिएशन, जिसे हम हिंदी में पार्थिव विकिरण या भौमिक विकिरण कहते हैं, ठीक है ना। वायुमंडल के अंदर ये अर्थ सरफेस से, मतलब पृथ्वी के धरातल से रिफ्लेक्ट या परावर्तित कर दी जाती हैं, और जब बेटा ये वापस छोड़ी जाती हैं, परावर्तित की जाती हैं, मतलब धरातल से टकरा कर जाती हैं, तो उससे आपका एटमॉस्फेयर है वो गर्म होता है, ठीक है ना, आपकी जो एटमॉस्फेरिक गैसेज है उनके कारण। जब आपका वायुमंडल गर्म होता है तो नीचे से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जो लोअर मोस्ट लेयर है, या आप ये कह लो कि धरातल के साथ जो आपकी लेयर लगती है, मतलब ग्राउंड, ठीक है ना, वो लोअर लेयर्स हैं वो आपकी ज़्यादा गर्म होती है रादर देन अपर लेयर्स, ऊपरी परतों की बजाय, मतलब निचली परतें ज़्यादा गर्म होंगी, क्यों, क्योंकि वो सीधे कॉन्टैक्ट में है, ठीक है ना, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उसका प्रभाव है वो कम होता जाएगा। इट मीन्स आपका एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म किससे हो रहा है बेटा, आपके इस टेरेस्टेरियल रेडिएशन के कारण, या आपके लॉन्ग वेव्स के कारण, मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन से नहीं हो रहा, आपकी आउटगोइंग जो रिफ्लेक्ट की जा रही हैं उनसे आपका एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो रहा है। अब देखिए, बचपन में हमारे दिमाग में प्रश्न आता था कि जितना जितना हम, मतलब जो जो हम सूर्य के नज़दीक जाते हैं तो वो एक आग का गोला है तो टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो हम ये सोचते थे कि इट मीन्स आपका माउंट एवरेस्ट जो है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ऊँचाई पर है, और ऊँचाई पर है तो इट मीन्स सन रेस पहले उसको मिल रही है, धरातल पर तो बाद में आ रही हैं, हम ऐसा सोचते थे। समय के साथ साथ फिर हमें पता चला कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर तो बेटा डिक्रीज़ होता जाता है, तापमान घट जाता है ना, आपने पढ़ा था नॉर्मल लैब्स रेट टेम्परेचर की, ठीक है, कि आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो 165 मीटर तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब कम होता जाता है। अब इसके पीछे यही रीज़न है कि माउंट एवरेस्ट ऊंचाई पर होने के बावजूद भी वहाँ तापमान है वो कम है, और लोअर लेयर्स के अंदर तापमान ज़्यादा है, क्योंकि रिफ्लेक्ट जो की जा रही है आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है ना, आपकी लॉन्ग वेव्स, तो वो लोअर लेयर्स के अंदर आपकी एटमॉस्फेरिक गैसेज जो हैं वो ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, ठीक बेटे। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट पे आते हैं कंडक्शन।
संचालन जिसे हम कहते हैं। देखिए ये आपका जो है बेटा ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू मैटर बाय मोलिकुलर एक्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्शन। मतलब कब जब आपकी कोई भी दो जो बॉडीज़ हैं या कोई ऑब्जेक्ट हैं ऑफ अनइक्वल टेम्परेचर आर इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर, जब एक दूसरे के संपर्क में ला जाते हैं तो आप क्या देखोगे कि देर इज़ अ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द वार्मर टू द कूलर बॉडी। ठीक है ना, जो गर्म है गर्म से और ठंडे की तरफ आपकी जो ऊष्मा है उसका प्रवाह होता है। ठीक है ना, और यह प्रवाह है मतलब आप ये कह लो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, ये तब तक चलता रहेगा मतलब कंटिन्यू रहेगा एंटिल बोथ द बॉडीज़ अटेन द सेम टेम्परेचर, जब तक कि उन दोनों पदार्थों का तापमान समान नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक ये चलता रहेगा। सपोज़ करो कि आपने कुकिंग के अंदर कुकर यूज़ किया है, तो आपने कुकर के अंदर चम्मच रख दिया है। ठीक है, पहले कुकर ही गर्म है, चम्मच जब रखी तब वो गर्म नहीं है, फिर आप देखोगे कि अब ट्रांसफ़र होने लगेगा हीट का और वो उसके कॉन्टैक्ट में आती है तो आपकी वो चम्मच भी गर्म हो जाती है। ठीक है, और उसका भी टेम्परेचर मतलब वो भी गर्म आपको महसूस होने लगती बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ द एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ऊष्मा का कुचालक है कौन, हवा। इसीलिए जो लोअर लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के अंदर वो जल्दी हीटेड अप बाय द कंडक्शन, संचालन के द्वारा वो शीघ्र जो है वो आपकी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती हैं। ठीक है, जैसे हम इसके अंदर देख रहे हैं कि आपका फ्राइंग पैन रखा है, ठीक है ना, हमने गैस ऑन किया तो आपके अंदर जो भी चीज़ है एग या जो भी है वो बॉयल हो रहा है। ठीक है, तो आपका ये पहले गर्म है, फिर धीरे धीरे जो इसका हैंडल है ठीक है ना उस तक है वो ऊष्मा आने लगेगी, मतलब हीट जो है उसका फ्लो जो है वो आपके इस हैंडल तक ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसका भी टेम्परेचर है वो उसके बराबर हो जाएगा, तो आपका ये कंटिन्यू रहता है। और यही कारण है बेटा कि कंडक्शन इज़ लीस्ट सिग्निफिकेंट इन हीटिंग द एटमॉस्फेयर। ये आपके सिर्फ निचले वाली परतें जो हैं वही, केवल निचली परतें ही इससे गर्म होती। कम टू द नेक्स्ट बेटे, एंड दिस इज़ कन्वेक्शन, जिसे हम संवहन कहते हैं। ठीक है, और ये है आपका ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ ए मास और सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, मतलब इसके अंदर आपका क्या है कि आपकी कन्वेक्टिव जो मोशन है ठीक है ना वो पॉसिबल होता है ओनली इन लिक्विड्स एंड गैसेस एंड नॉट इन सॉलिड्स। ठीक है ना, तरल और गैसीय पदार्थ जो हैं उन्हीं के अंदर ये होता है। देखिए, वेन द एयर इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर गेट्स हीटेड एदर बाई टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बेटा और कंडक्शन। ठीक है ना, जो निचली परतें हैं तो उन परतों के अंदर वायुमंडल के अंदर जो भौमिक विकिरण से वो गर्म होती है। ठीक है ना, या उसके संचालन से गर्म होती है। और जैसे ही वायु गर्म होगी मतलब आपकी एयर जो है वो हीट अप होगी, वार्म अप होगी, तो आपको पता है कि इससे वो हल्की हो जाएगी और राइज अप होना शुरू होगी। ठीक है ना, वैसे ही जैसे हम फ्राइंग पैन के अंदर पानी है वो बॉईल करते हैं तो पानी बॉईल करने पर आप देखते हो स्टीम ऊपर उठना शुरू हो जाती है, वो बॉईल होकर गैस बन जाता है। ठीक है, हल्का भी हो जाता है। तो ऐसे ही है कि वो आपकी क्या होती है, एक्सपेंड होती है, फैलती है। ठीक है ना, एंड इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस, और जैसे ही वो एक्सपेंड होती है बेटा तो उसका घनत्व है वो कम हो जाता है। ठीक है ना, और कम हो जाने के बाद वो राइज अप होना शुरू करती है, मतलब इट मूव्स अपवर्ड्स एंड कॉन्टीन्यूअस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द हीटेड एयर मास पुशेस असाइड द एयर एट द हायर लेवल। वो जैसे ही ऊपर जाती है तो उसके जो दोनों तरफ जो भी एयर है वो उसको पुश करती है, और उनको पुश करके वो मतलब उनको धकेलती है। धकेलने के बाद आपकी वो जो ऊपर जो एयर है वो आपकी नीचे मतलब पुश्ड एयर जो है वो हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स मतलब नीचे की तरफ आती है कूलर एरियाज एंड ग्रेजुअली डिसेंड्स डाउन टू द इंक्रीजिंग डेंसिटी। उनका घनत्व है वो आप ये कह लो कि बढ़ा हुआ होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाती है। और नीचे आके बेटा फिर वो क्या गर्म हो जाती है, क्यों, क्योंकि नीचे का एरिया है वो पहले ही गर्म था। ठीक है, वो उस हवा का स्थान या वायु का स्थान ले लेती जो पहले नीचे गर्म थी। सो रीचिंग द हीटेड रीजन इट ऑल्सो वार्म्स अप एंड राइजेस, ये गर्म होती है और फिर ये ऊपर उठना शुरू करती, तो ये प्रोसेस चलती रहती है। और ये साइक्लिक जो मूवमेंट है एसोसिएटेड विद द कन्वेक्शन करंट्स इन द एटमॉस्फेयर ट्रांसफर हीट फ्रॉम द लोअर लेयर्स टू द अपर लेयर एंड हीट अप द एटमॉस्फेयर, मतलब नीचे से लोअर लेयर से और ये अपर लेयर तक चलता रहता है, तो इससे आपका पूरा एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, सो दिस प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज बेटा कन्वेक्शन एंड द कनेक्टिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कन्फाइंड ओनली टू द ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, निचली परतों में है वो ज़्यादा है, तो ट्रोपोस्फेयर के अंदर आपकी, क्योंकि जैसे आपने शोभ मंडल कहा था सबसे निचली परत के अंदर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट या कह लो कि वहाँ तक सीमित है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर बेटा, आप देख सकते हैं, देखिए इसके अंदर आपकी जैसे ही एटमॉस्फेयर मतलब आपकी जो एयर है वो गर्म होगी तो राइज अप हो रही है, जो रेड कलर से राइज अप हो गई। राइज अप होने के बाद पुश किया और जो अपर लेयर्स के अंदर आपकी जो भी आपकी जो मतलब एयर है उसको पुश करके नीचे की तरफ धकेला। जैसे ही ये नीचे आ गई, नीचे आने के बाद ये क्या इसके कॉन्टैक्ट में आई नीचे धरातल के या सरफेस के, और ये भी आपकी क्या होगी, गर्म होगी। तो जब ये साइकिल या प्रोसेस चलती रहती तो आपका ये क्या पूरा एटमॉस्फेयर जो इससे है वो हीट अप हो जाता है।
गर्म हो जाता है, यही आपका कन्वेक्शन है। गो अहेड बेटे, नेक्स्ट एडवेक्शन, संवहन जिसे हम कहते हैं, द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर, वाटर और एनी अदर फ्लूड। ठीक है ना, ऊष्मा जो है इस प्रक्रिया में ऊष्मा जो है उसका क्षैतिज दिशा में स्थानांतरण होता है। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर। ठीक है ना, और हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ द एयर इज़ रिलेटिवली मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्टिकल मूवमेंट। हॉरिजेंटल जो है मतलब हम जो ले रहे हैं क्षैतिज, इसका मतलब क्या है, वन प्लेस टू अनदर, मतलब वर्टिकल के अंदर तो पूरा एटमोसफेयर लोअर से अपर लेयर तक हो रहा था, इसके अंदर हम क्या लेटिट्यूड की तरह हम लेते हैं कि आपके पर्टिकुलर उसी स्थान पर एक जगह से दूसरी जगह, मतलब आप ये भी कह सकते हो कि आपका जो ड्यूरिनल मतलब डे एंड नाइट का जो वेरिएशन आती है मिडिल लैटिट्यूड्स के अंदर, तो बेटा वो आपके इस एडवेक्शन जो है इसका ही परिणाम होते हैं। ठीक है ना, चेंज आना, या हम ये कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया जो है उसमें लू चलती है, तो लू चलना जो है वो भी इसी का ही परिणाम है, क्योंकि पर्टिकुलर हम क्या देख रहे हैं कि आपका वो क्या हॉरिजेंटल, ठीक है ना, क्षैतिज दिशा के अंदर ही आपका प्रवाह हो रहा है कि वन प्लेस टू अनदर एयर के साथ। फॉर एग्जाम्पल बेटा, हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि बहुत गर्मी है और फिर उसके बाद अचानक ठंडी हवा चलने लगती है, बारिश का मौसम मतलब ऐसा लगता है जैसे वर्षा होगी पर होती नहीं है, पर उस ठंडी हवा से हमें आभास होता है कि आसपास कहीं तो बारिश हुई है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर हवा ठंडी चल रही है, हम समझ जाते हैं इसका मतलब आपका वो क्या है, वो आपका क्या है एडवेक्शन है, कि उस स्थान से जहाँ बारिश हुई है वहाँ से आपकी मूवमेंट हो रही है एयर का आपके स्थान पर, तो ठंडी हवा के आने से आपका एटमोसफेयर जो है वो भी आपका ठंडा हो गया। ठीक है, ऐसे ही गर्मी में भी होता है कि अगर कहीं पर ओशन करंट्स जो है, आप ये मान लें कि गर्म ओशन करंट्स है, अगर वो आपके ठंडे या मतलब कोल्ड एरियाज़ में जाती हैं तो वहाँ पर वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती हैं। ठीक है, और ऐसे ही आपके ठंडे एरियाज़ जो है उनसे आपकी कोल्ड जो ओशन करंट्स है वो अगर वार्मर एरियाज़ के अंदर आती है, उन लैटिट्यूड्स के ऊपर आती हैं, तो वहाँ पर वो टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देती हैं, घटा देती हैं जब कोल्ड आती है, तो ये एयर के साथ भी है। ठीक है ना, तो हम यही कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, आपका एडवेक्शन के कारण आपकी स्थानों में आपके जो ट्रॉपिकल या जो पोलर लैटिट्यूड्स हैं उनके अंदर आपका क्या होता है बेटा, ऊष्मा का प्रवाह होता है। यू कैन अंडरस्टैंड दिस बेटा विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर। देखिए, इन द गिवन पिक्चर यू कैन सी बेटा, वार्मर मोस्ट एयर मूव्स ओवर ए कोल्डर सरफेस एंड इट्स टेम्परेचर ड्रॉप्स। ठीक है ना, आपकी जो रेड कलर है ये आपकी क्या गर्म हवा को दिखा रही है या आर्द्र हवा को, और ये जैसे ही कोल्ड सरफेस के ऊपर आती है तो ये आपकी क्या करती है, टेम्परेचर को ड्रॉप्स मतलब तापमान गिरा देती है, कम कर देती है। ठीक है, ऐसे ही हम इसको इन्वर्स भी ले सकते हैं कि ऐसे ही आपके कोल्ड एरिया से जाएंगे तो वो टेम्परेचर को आपके डिक्रीज़ करेंगे, तो यही आपका जो मूवमेंट है हॉरिजॉन्टल जो आपका है जिसे हम क्षैतिज कह रहे हैं ऐसे चलना, ये आपका बेटा एडवेक्शन कहलाता है। ओके बच्चे, कंसंट्रेट योर माइंड एंड कीप योर आइज ऑन दीज टू पिक्चर्स। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट, पहला जो चित्र दिया हुआ है इस पर आओ बेटा। देखिए, कन्वेक्शन जो आपका दे रखा है, कंडक्शन भी दिया हुआ और रेडिएशन भी, जो हमने तीनों पढ़े थे, ठीक है ना, वो तीनों इसके अंदर भी हैं। ध्यान से देखो, हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो किससे, कि हमने फ्राइंग पैन लिया है, नीचे आपकी क्या है फायर है, मतलब आग जलाई हुई है। ठीक है, जैसे ही ये चारों तरफ, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उस फ्राइंग पैन के ऊपर लग रही है, ठीक है ना, इसके दोनों तरफ भी इधर सब कहीं चारों तरफ फैली हुई है, तो ये चारों तरफ जो फैल रही है आपका क्या है रेडिएशन। ठीक है, फैल रही है तो इसमें से आपका कुछ ये भी फ्राइंग पैन पर भी लग रही है, इसी में से देखो कन्वेक्शन जो है वो आपका क्या है, वर्टिकल हीटिंग जो है बेटा आपका वो क्या हो गया कन्वेक्शन, कि नीचे वाली जो लेयर है आपकी वो गर्म हुई और फिर धीरे धीरे आपका उसमें जो भी रखा है वो पूरा ऑब्जेक्ट या पूरा गर्म होना शुरू हुआ। ठीक है ना, फ्राइंग पैन में आपने जो भी रखा है, दूध है या फिर आपका मतलब मिल्क वाटर जो भी है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर आपका है कंडक्शन, तो उसके बाद आपका ये गर्म होने के बाद उसका जो हैंडल है, ठीक है ना, उस तक आपकी हीट आ गई है, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है वो आपका क्या उस ऑब्जेक्ट जो है उसकी लोअर लेयर जो थी मतलब उसका जो बॉटम है उससे शुरू हुआ हीट, और वो हीट धीरे धीरे आपकी क्या उसके अंदर जो भी मैटर है आपका मिल्क या वाटर वो बॉयल हुआ, और बॉयल होने के बाद हीट अप होने के बाद में वो आपकी ट्रांसफ़र उस हीट का कहाँ हो गया, उसके हैंडल तक। बिकॉज बेटा दिस ट्रांसफ़र ऑफ हीट कंटिन्यूस एंटिल बोथ द बॉडीज अटेन द सेम टेम्परेचर, मतलब दोनों का तापमान जब तक समान नहीं होगा, ठीक है ना, तब तक वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट मतलब ऊष्मा का जो संचार है या प्रवाह है वो निरंतर रहेगा। ठीक है, तो आपका इससे क्या हैंडल भी आपका गर्म हो गया, तो आपकी तीनों प्रोसेस हो गई। इसी को हम अगर मान लें कि आपकी नीचे जो आग जली हुई है या जो भी फायर है जो हीटअप कर रही है आपके इस फ्राइंग पैन को, सपोज़ कर लीजिए यही आपका क्या है सन है, ठीक है ना, सन से और आपकी कहाँ पर आ रही, अर्थ पर आ रही है। ठीक है, इंसुलेशन हो गया, तो आपका फ्राइंग पैन है वो आपका क्या हो गया अर्थ सरफेस हो गया। अब वही आपका दूसरी पिक्चर जो है उसमें आपका दिया हुआ है सेकंड जो आपके
पिक्चर दी हुई उसमें देखिए, उसके अंदर भी आपके तीनों प्रोसेस है कि आपकी रेडिएशन है वो अर्थ के ऊपर आ रही है, इंसुलेशन, ठीक है ना, शॉर्ट वेव्स के अंदर आती है, लॉन्ग वेव्स में अर्थ उसको रेडिएट करती है तो आपका एटमोसफेयर उससे हीट अप होता है, ठीक। अब बेटे कंडक्शन पर आइए, संचालन जिसे हम कह रहे हैं। तो कंडक्शन के अंदर आपके क्या था कि आपकी जो फ्लो ऑफ एनर्जी था फ्रॉम द वार्मर टू कूलर बॉडीज, कि नीचे वाली जो लेयर है आपका सरफेस है जो वार्म अप हो गया है, ठीक है ना, आपकी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण या भूमि की पार्थिव विकिरण के कारण बेटा। अब जो उसके कॉन्टैक्ट में जो एयर आ रही है वो भी आपकी क्या हीटअप या वार्म अप हो गई है। वार्म अप होने के बाद फिर हमने पढ़ा था कि वो क्या आपकी राइज अप होना स्टार्ट करती है, ऊपर उठती है, ठीक है ना, ऊपर उठेगी तो ऊपर उठने के कारण वो पुश अप करती है और उन ऊपर वाली जो कूल एयर है उसको वो क्या नीचे की तरफ धकेलती है, वो नीचे आकर फिर क्या उसका स्थान लेती है जो पहले गर्म थी, और इसे आपका पूरा एटमोसफेयर है वो गर्म हो जाता है, मतलब वर्टिकली हीट अप हो जाता है लोअर से लेकर और अपर लेयर तक। तो ये आपका क्या था, कन्वेक्शन। वेल बेटे वी विल डिस्कस द वन रिमेनिंग टॉपिक, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन, सूर्यताप का स्थानिक वितरण। स्थानिक का मतलब हर स्थान पर क्या सूर्यताप या इंसुलेशन जो है वो बराबर होता है, ठीक है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ ज़्यादा कहाँ कम। तो हमें पता है कि इंसुलेशन रिसीव्ड एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इन्फ्लुएंस्ड बाई ए नंबर ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे कारकों के ऊपर निर्भर करता है, एंड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, स्थानों पर भी अलग अलग होता है, ठीक है। सो देखिए, फर्स्ट मैक्सिमम इंसुलेशन इज रिसीव्ड ओवर द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, कि उष्णकटिबंधीय मरुभूमियों में सूर्यताप है वो अधिक, मतलब ज़्यादा मात्रा के अंदर है वो प्राप्त होता है, मतलब विषुवत व्रत की बजाय, ठीक है, विषुवत व्रत पर सूर्यताप कम मात्रा में होता है, मतलब इंसुलेशन कम होता है। इट मीन्स इक्वेटर रिसीव्स कंपैरेटिवली लेस इंसुलेशन देन द ट्रॉपिक्स, बल्कि हमने पढ़ा था कि इक्वेटर के ऊपर जो आपकी सन रेज हैं वो डायरेक्ट, मतलब सीधी आती हैं, ठीक है, और सीधे आने के कारण हमें लगता है सूर्यताप ज़्यादा मात्रा के अंदर प्राप्त होना चाहिए, परंतु वहाँ पर बेटा आपके क्या क्लाउडी एटमोसफेयर होता है, या आप ये कह लो कि वेदर जो या क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो आपकी कौन कैसी क्लाउडी या क्लाउड कवर इन क्लाउड कवर जो है वो एक आपका एक फैक्टर होता है जो इफेक्ट डालता है इंसुलेशन के ऊपर। और जब बादल छाए होते हैं तो आपको पता है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन या टेरेस्ट्रियल या रिफ्लेक्टेड, मतलब आउटगोइंग जो है, उन दोनों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, आने में भी और वापस लौटने में भी, तो आपका एटमॉस्फेयर है वो इतना हीट अप नहीं हो पाता, या आपके ऊष्मा का संचार कह लो वो भी ज़्यादा नहीं हो पाता, जिससे कि आपका वायुमंडल गर्म होगा, ठीक, एक कारण ये। और मरुभूमियाँ जो डेजर्ट्स हैं, ठीक है ना, उसके अंदर बादल जो है नहीं होते, अगर बादल नहीं होते तो दोनों ही चीज़ों में फ़ायदा है, इनकमिंग में भी और आपके आउटगोइंग में भी, ठीक। सेकंड देखिए, एट द सेम लैटिट्यूड द इंसुलेशन इज़ मोर ओवर द कॉन्टिनेंट देन ओवर द ओशंस, कि एक ही आपके अक्षांश जो है, मतलब सेम लैटिट्यूड जो भी आप लगा रहे हैं उसके ऊपर आपका महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। ऐसे ही शीत ऋतु में भी मध्य और उच्च अक्षांश जो हैं उन पर भी ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम मात्रा में विकिरण प्राप्त होता है। कॉन्टिनेंट्स पर या महाद्वीपों पर होने का पता है आपको बेटा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लैंड सरफेस जो है वो आपका ओपेक है, ठीक है ना, रेडिएशन के कारण, मतलब आपकी जो सोलर जो है उस रेडिएशन के आपके रिफ्लेक्ट करने में, परावर्तित करने में ऊष्मा की विकिरणों को, ठीक है ना, वापस लौटाने के अंदर सहायक होता है। और आपका वाटर या हम जब ओशंस की बात करें तो वो आपका क्या ट्रांसपेरेंट है, और हमने ये पढ़ा था कि वो देर से गर्म और देर से ठंडा होता है, ठीक है, तो उसका प्रभाव है उसके ऊपर पड़ता है, इसीलिए आपके महाद्वीपीय भाग जो है उस पर अधिक और महासागर पर सूर्यता कम प्राप्त होगा।